प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा तुमने? क्या बना रही है फाइनल प्रोजेक्ट? कुछ बताया नहीं तुमने? डोंट वरी, बन जाएगा और बहुत अच्छा बनेगा, तुम देख लेना। लेकिन बनेगा किस पे? मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि हम ऐसा काम करें जो यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में कभी ना हुआ हो। यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में? ठीक, मैं तुम्हें एक आइडिया सुनाता हूँ, ठीक है? लेकिन सर, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। देखे तो सही सर, स्टोरी, शूट प्लान, साइनॉप्सिस, ब्रेकडाउन, बजट, मैंने इन सब पर काम कर लिया है। मगर ये ग्रुप प्रोजेक्ट है सर, हम ये ग्रुप में काम कर रहे हैं। अच्छा, रहमत अली जी, हु इज चौधरी रहमत अली? एनीवन? हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ आ रही हूँ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा फंक्शन मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। बस 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 आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बारी, क्या हुआ? मॉम, वो प्रोजेक्ट। तो तुमने क्या जिंदगी में एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है? अभी किसी और आइडिया पे काम करो। मिला है ना, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ओल्ड है पर तुम कुछ अच्छा बना लोगे। मॉम, क्या अच्छा बना लूंगा? आई हैव नो आइडिया यार, मुझे क्या पता उस वक्त क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। एक शख्स तुम्हारी मदद कर सकता है। अच्छा, वो कौन? लेकिन वो करेगा या नहीं ये मैं नहीं जानती। मॉम, कौन है वो? तुम्हारे दादाजी। दादा? यस, उन्होंने सारी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ाई है और उस वक्त के तमाम हालात और वाकयात अपनी आंखों से देखे। मैं उनसे बात करूं? गुड लक। आजो भाई, कौन है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादा, ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ पढ़ती है, नैना, आपसे मिलना चाह रही थी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आओ ना, बैठो, खड़े क्यों, आ जाओ। दादाजी, हम फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं और हमने एक फिल्म बनानी है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पर, जिसके लिए हमें
आपकी हेल्प चाहिए। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता? दादाजी, आपने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, तो आप हमें बताएं ना वो सब कुछ। और फिर आप हिस्ट्री भी तो पढ़ाते रहे हैं ना। अच्छा, अब बात यह है बच्चों कि ये मौजू इतना वसी है कि एक सदी की कहानी है। मैं क्या क्या बताऊं, इसके लिए कई नशिस्तें रखनी होंगी। कोई बात नहीं दादाजी, आप बताएं, हम रोज सुनने आ जाया करेंगे। अच्छा ये बताओ कि जो तारीख की किताबों में लिखा है वो सुनना चाहते हो या जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सुनना चाहते हो? जो आपने अपनी आंखों से देखा है वो। मुश्किल काम कह दिया बेटा आपने। चलो खैर, फिर बेटा जब मैंने वो संभाला तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की कुल आबादी तकरीबन 35 करोड़ थी, जिसमें से 25 करोड़ हिंदू थे और मुसलमानों की तादाद 9.5 करोड़ थी। अब यहाँ के कौम परस्त लीडर को शऊर आ चुका था, 35 से 40 करोड़ सिर्फ 1 लाख अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं। गांधी जी और पंडित नेहरू हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर थे, जबकि मुसलमानों की क़यादत मेरे सोने लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने संभाल रखी थी। क्या खूबसूरत शख्सियत थी कायद आज़म की। आपने उन्हें देखा था दादाजी? हाँ देखा था, दूर से। मैं मुस्लिम लीग की स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था। क्या वलवला था, क्या जोश था। सोते जागते बैठते उठते बस एक ही ख्याल था जहन में, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। क्या लिख रही है बेटा आप? दादाजी, जो आप अपनी हकीकी कहानी हमें बता रहे हैं ना, मैं उसको यहाँ पे लफ्ज ब लफ्ज लिख रही हूँ। इसको हम अपनी फिल्म का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर कल कहाँ थे हम? कल हम कायदे आजम और नेहरू पर थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बरतानवी हुकूमत ने बड़े सगीर की सियासी सूरत हाल को सही मानों में जांचने के लिए ना इंडिया में आम इंतखाबात का ऐलान कर समझे। मुस्लिम लीग का नारा पाकिस्तान था, हर तरफ जोश व खरोश था, आवाम तकसीम हो चुके थे। हमारी बहुत बहसें होती थी उन दिनों। लो भाई और सुन लो, जिन्ना ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत गई तो पाकिस्तान जरूर बनेगा। पाकिस्तान ओ प्रदीपिया, और दिन में ख्वाब देखने पे कौन सी पाबंदी है? तो इसमें गलत बात क्या है, सही तो कहा है जिन्ना साहब। ये बोला जिन्ना का चेला। देख वे बच्चे, पहली बात तो ये कि भगवान की कृपा से मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत ही नहीं सकती, और अगर जीत भी गई
तो ये जो भारत माता है ना, ये हमारी माता है, समझ आई? और हम अपनी माता का बंटवारा नहीं होने देंगे। जाओ जाओ, जाके कह दो अपने मिस्टर जिना से। पंडित जी, एक दफा इलेक्शंस के नतीजे तो आने, आपको भी मेरी बात समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। जाओ, देख लेंगे तुम्हारे इलेक्शंस। पंडित जी ये बहुत बोलने लगा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। ओ प्रदीप भैया, ओए हौसला कर, ओए वेला ते आ लेन दे। दादा, कल हम इलेक्शन की बात कर रहे थे, फिर क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया बेटा, और रिजल्ट ने कायदे आजम के मौकफ को सच साबित कर दिया, और मुस्लिम लीग 90% वोट लेकर मुसलमानों की बहुत नुमाइंदा जमात बन गई। फिर क्या कहा उस पंडित ने? पंडित जी, मैं आप ही कोई ढूंढ रहा था। अरे क्यों? ये आपके लिए। अरे खैर है, सगाई वगाई तो नहीं हो रही तुम्हारी? मिठाइयाँ बांट रहे हो? कमाल करते हैं वैसे पंडित जी आप भी, सारा दिन अखबार पढ़ते हैं, तो आपको यही नहीं पता कि मैं मिठाई क्यों बांट रहा हूँ? क्यों बांट रहे हो? चलो मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत गई है। उस वक्त के वायसराय ने कांग्रेस को मरकज में हुकूमत बनाने की दावत दे दी थी। फिर पूरे बरे सगीर में मुसलमानों ने मजाहरे शुरू कर दिए और अंग्रेज़ों के दिए हुए खताबात वापस कर दिए, और इन हालात में हिंदू भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी मुसलमानों पर पूरा गुस्सा निकाला और यूँ हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गए बेटा। और जिन इलाकों में मुसलमान अक्लियत में थे, वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया, खास तौर पर बिहार। बात है पुत्र, तू आज फिर गुस्से में लग रहा है। अम्मा वो पंडित ना। ओ देख, मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि हालात पहले ही खराब है, ऐवी खामखा पंडित के साथ बहस ना किया कर। मेरी अम्मा, मैं उससे बहस नहीं करता, वो जानबूझकर तंग करता है मुझे। वो कहता है कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, वो झूठी खबरें फैला रहा है कि जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम बनेगा। देख पुत्र, ये सियासी बातें तू इसमें ना पड़, ये सियासत की बातें सियासतदानों के लिए रहने दे। ओ मेरी प्यारी अम्मा, तू इन बातों को नहीं समझती। चल ठीक है पुत्र, मैं नहीं समझती तेरी इन बातों, पर देख, जहां रहना हो वहां दिलों में नफरतें नहीं पैदा करते। अम्मा,
तू भी अच्छे तरीके से समझती है कि नफरत किसके दिल में है। वो पंडित की बीवी, और वो क्यों नहीं घुसने देती तुझे अपने बावर्ची खाने में? और हम क्यों नहीं हाथ लगा सकते उनके बर्तनों को? अम्मा, अगर हम गलती से उनसे हाथ मिला भी लेना तो वो क्यों हाथ धोते हैं जाके वहां पे? वो अछूत से भी बुरा समझते हमें, अछूत से भी बुरा। वो हमें नहीं रहना उनके साथ, हमें अपना अलग वतन बनाना है, अलग मुल्क बनाना है हमें, अपना पाकिस्तान, जहां पे हमें कोई भी ऐसे तंग ना करे। तू बस सोने रब से दुआ कर मेरी माँ कि वो वक्त बड़ी जल्दी आ जाए। वो वक्त जरूर आएगा पुत्र, जरूर आएगा माँ, इंशाल्लाह जरूर आएगा। इन हालात में कायदे आजम का क्या मौकिफ था? कायदे आजम खामोश थे और बरतानवी वजीर आजम कायदे आजम की खामोशी को बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। ब्रिटिश इंडिया के बिगड़ते हुए हालात देखकर बरतानवी वजीर आजम ने कायदे आजम समेत तमाम रहनुमाओं को लंदन बुला लिया था। आखिर बरतानवी वजीर आजम ने यह ऐलान किया कि 1948 में इंडिया को आज़ाद कर लिया है, और इस ऐलान के साथ पूरे बड़े शरीर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। पंडित जी, आपने बुलाया था। हाँ, ले आज हमारी तरफ से मिठाई खा। ओ भाई, मिठाई खिलाओ इसे। ओ खा मकबूल, मिठाई खा, आज तो खुशी का दिहाड़े। वेख, गोरिया ने कह दिता कि वो इंडिया छड़ के जा रहे हैं, तो हुण साडा इंडिया आज़ाद हो जाएगा। हाँ, इंडिया आज़ाद हो जाएगा, बल्कि इंडिया नहीं, इंडिपेंडेंट यूनाइटेड इंडिया। यूनाइटेड इंडिया नहीं पंडित जी, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद। और पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता बच्चे, अगर पाकिस्तान बनना होता ना तो बरे सगीर की तकसीम का ऐलान होता। ये पाकिस्तान सिर्फ जिना का ख्वाब है तो तुम जैसे पागलों को दिखा के अपने पीछे लगाया हुआ है उसने। ओए मकबूलिया, ओए आज तो बात पाकिस्तान दा नाम ना लवी। ओए तेन पता ते है सरदार तारा सिंह ने पाकिस्तान दा नाम लैन वाले वास्ते की सजा सुनाई है? ओ मैं नहीं डरता किसी सजा वजा से। सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त 1947 ईस्वी की दरमियानी रात तुलुए सुबह आजाद हुई। फिर तकसीम हो गई दादाजी। तकसीम इतनी आसान नहीं थी मेरे बच्चों, इतनी आसान नहीं थी। तकसीम के लिए बरतानिया से एक वकील रेड कल्फ को बुलाया गया। अब उसे इंडिया के नक्शे पर लाइन खींचना थी, और इस लाइन के एक तरफ पाकिस्तान बनना था और दूसरी तरफ हिंदुस्तान। कौन सा गांव हिंदुस्तान में आएगा,
اور کون سا علاقہ پاکستان بنے گا؟ سب خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے اور ایسی ہی کچھ حالت ہماری تھی میرے بچوں، ایسی ہی حالت ہماری تھی۔ پتر مقبول، ہم تو پاکستان کا حصہ بنیں گے نا؟ ابھی کچھ نہیں بتا ماں، مجھے تو لگتا ہے آنے والے کچھ وقتوں میں حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ پر پتر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیسے چلے جائیں؟ تیرا باپ دفن ہے یہاں۔ ماں، اگر یہ علاقہ ہندوستان کے حصے میں آ گیا نا تو وہ ہم سب کو یہی دفن کر دیں گے۔ بہت ظالم لوگ ہیں اماں، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ بس اب آپ لوگ یہاں سے جلدی چلنے کی تیاری کرو۔ بھائی بھائی، میری سہیلیاں، جو انہیں رب کو منظور ہوا نا تو وہ پھر مل جائیں گی۔ بس اب آپ لوگ سامان پیک کرو، چلنے کی تیاری کرو۔ اماں سامان باندھ جا کے۔ ادھر ہر آنے والا ایک دن کسی طوفان کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ہجرت کرتے قافلوں پر حملے ہو رہے تھے۔ تمام بڑے شہروں میں ہوائی جہازوں کے ذریعے عوام پر پفلٹ پھینکے جاتے، جس قائد اعظم اور مہاتما گاندھی کی طرف سے عوام کے لیے برداشت اور امن کے پیغام لکھے ہوتے تھے، مگر کون سنتا تھا؟ پہلے تو صرف لوٹ مار اور دنگوں کی خبریں آتی تھیں، مگر اب مذہبی بنیادوں پر قتل و غارت شروع ہو گئی۔ ہندو اور سکھ مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہے تھے۔ کھلا اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ ہم نے اس پاکستان کے لیے بہت جانیں مٹی میں ملائی ہے میرے بچوں۔ دادا حوصلہ رکھیں، مت روئیں۔ دادا جی، آپ نے سب بتا دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ ان حالات میں پاکستان کیسے پہنچے۔ دادا جی بتائیں نا، آپ کیسے پہنچے؟ میں نے جان بوجھ کر تم سے چھپایا ہے میرے بیٹے۔ بڑی مشکل سے وقت نے میرے زخموں پر مرہم رکھا ہے۔ I'm sorry دادا جی، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ دادا اگر آپ انکمفرٹیبل ہیں تو مت بتائیں۔ بیٹا یہ بتانا شاید میرے لیے ضروری ہے کہ یہ پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے۔ وہ دن میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا، مشکل ترین دن تھا۔ رکے مغول بھائی، ایک اطلاع دینی تھی آپ کو۔ تو کیا ہوا ہے؟ آج پنڈت نے آپ کے گھر پر حملہ کرنے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ آپ بھاگ جائیں یہاں سے، بھاگ جائیں، آپ بھاگ جائیں۔ بڑی مہربانی یار، بہت شکریہ۔ Thank you.
लोगों के साथ हमारे घर पे हमला करने आ रहा है। उठो सब, फटाफट सामान पैक करो, निकलने की तैयारी करो। और मेरा मुल्का तेरे हवाले है, अम्मा जल्दी कर लो, सभी आप भागो, जल्दी जल्दी आ जाओ। चल पुत्र, पर ये माल डंगा। अम्मा जान से बढ़ के कुछ नहीं है, फिर आ जाएगा, चलो भागो। अम्मा तू सब को लेके अंदर जा, मैं इनको देखता हूँ, अंदर जा तू, भागो। हाथों से चार कत्ल किए, फिर भी मैं अपनी बहन और माँ को नहीं बचा सका, नहीं बचा सका। वो रात बहुत मुश्किल रात थी मुझ पे, बहुत मुश्किल रात थी। सारी रात पाकिस्तान की तरफ भागता रहा और फिर मुझे नहीं पता मैं कब बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर लोगों ने मुझे बताया कि तू कैंप से थोड़ी दूर बेहोश पड़ा मिला था। बस फिर जब मुझे होश आया तो अगले दिन मैंने देखा कि 14 अगस्त को कराची में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने हुकूमत बरतानिया की तरफ से नए बनने वाले इस मुल्क का इंतज़ाम कायदे आज़म को सौंपा। मुसव्वदे पर दस्तखत हुए कि अब पाकिस्तान अपने मामलात और फैसलों में आज़ाद है। और कायदे आज़म ने बतौर एक गवर्नर जनरल हल्फ उठाया। I thank His Majesty the King on behalf of the Pakistan, the Citizens Assembly and myself. मेरे बच्चों, ये एक मौजा था कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक आदमी
सिर्फ एक आदमी, उसने एक मुल्क बना दिया। ये सिर्फ मेरे सोने कायद आजम ही कर सकते थे, सोने कायद आजम ही कर सकते। काश कि मैं उस दिन वहां होता और उनके चेहरे पर इत्मीनान देखता, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका, क्योंकि वो हमें क्या पता था इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। दादा एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। इस मुल्क के लिए आपने इतनी कुर्बानियां दी, इतना कुछ बर्दाश्त किया, किन किन हालात से गुजरे, अपने खो दिए, आज यहाँ जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि आपने सही किया था? 100% सही किया था। मुझे आज भी उसी हालात में डाला जाए तो मैं यही करूँगा और यही कहूँगा कि मैं 100% सही था। बेटा अपना घर बड़ी नेमत होता है। क्या अपना घर दादा? आप अपने घर में महफूज नहीं हैं। लोग भागकर बाहर जा रहे हैं और हुक्मरान अपनी जेबें भर रहे हैं। खबरें सुनकर अच्छा भला आदमी बीमार पड़ जाता है। इस शख्स दादाजी हर तरफ फ्रस्ट्रेशन है। ठीक कह रहे हो तुम बेटा, यही हालात हैं। लेकिन अगर तुम्हें इतनी वहशत है ना, तो जरा सोचो जिन्होंने अपने गवाए हैं इस मुल्क की खातर, उन पर क्या बीतती है। मगर एक फर्क है बेटा, मैं नाउम्मीद नहीं हूं। मैं दूसरों पर इल्जाम लगाकर खुद को बरी जिम्मा नहीं कहता। अगर हुक्मरान नाअहल हैं तो उन्हें चुनता कौन है? हम ही तो चुनते हैं। जब हमारा काम नहीं होता तो रिश्वत कौन देता है, सिफारिश कौन करता है? इसराइल और अमेरिका तो आकर बम धमाका नहीं करता, हम ही लोग तो करते हैं। हम नालायक और नाअहल हैं, ये मुल्क नहीं। जो इस मुल्क को बदलने की बातें करते हो, इस मुल्क को बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बदलने की ज़रूरत है मेरे बच्चों। ये आप लोगों ने करना है बेटा, और आप कर सकते हो। आप बना सकते हैं ऐसा पाकिस्तान जिसकी तरक्की कागज़ों में ना हो, हकीकत में हो। यहाँ किसी का भाई बाप बेटा कानून से बड़ा ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इस कहानी में कोई ना कोई काम की चीज मिल गई होगी। हाँ हाँ दादाजी जी बिल्कुल। Amazing. मुझे पता था तुम लोग कर सकते, मगर तुम लोगों ने मेरी सोच से कहीं बढ़कर काम किया है। रिसर्च कंटेंट एग्जीक्यूशन बेहतरीन। थैंक यू सर। आई एम प्राउड ऑफ यू। शाबाश। यूनिवर्सिटी को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी। खैर मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी? हाँ ना, मैंने डैड से वादा किया था कि स्टडी खत्म होती उनके पास चला जाऊंगा। डैड का कारोबार जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यार वैसे भी यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी मुश्किल से यहाँ टिका हुआ था। फारिस तुम खुद सोचो, इस वतन के लिए तुम्हारे अबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। तुम अपने दादा के बारे में सोचो। तुम भी अगर अपने डैड की तरह
मुल्क से बाहर चले गए, तुम्हारे दादा तो जीते जी मर जाएंगे। मुसलमानों को घूम घूम करवा रहे थे, मैंने इन हाथों से जहां से बचन लिया, फिर भी हाथी हैरान वाला को नहीं बचा सका, नहीं बचा सका। तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत बेहोश हो गया था, मैं भूल गया था कि पाकिस्तान ही मेरी असल स्ट्रेंथ है। मैं भी तुम्हारी तरह इस सिस्टम में रहकर इस सिस्टम को